बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे प्यारे व्यूवर्स। हम लोग जा रहे हैं टिंडी पॉइंट। ये रात का नज़ारा है। पहले हम गाड़ी पर आए लेकिन वापसी पे हमने सोचा हम पैदल जाते हैं ताकि हम सारे व्यूज आपको दिखा सकें। आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे आसमान से तारे ज़मीन पर आ गए हैं। छोटा एच और बड़ा एच बड़े खुश हैं। ये व्यूज देख के उनके मुख्तलिफ व्यूज हैं। और जन्नत को सर्दी लगी हुई है, उसने शॉल लपेट ली है। सब लोगों ने अपनी गाड़ियां मुख्तलिफ जगहों पे ठहरा के अपने व्यूज दिखाने में लगे हुए हैं। और ये जो छोटा एच है, ये कहते हैं मैंने वॉच ली है, आप मेरी वॉच का टाइम चेक करें। एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। ग्रीनरी के अंदर ऐसे लगता है जैसे आसमान जमीन पर आ गया हो। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। और यहाँ पे टाइम देखिए 7:50 हो रही है। ये छोटे इसने घड़ी ली है तो इसको ऑल टाइम हर मिनट बाद अपना टाइम याद आ जाता है। ये बहुत हैप्पी है। हम सब बहुत हैप्पी हैं। बड़ा एच जो है विक्ट्री का निशान दे रहा है। अभी हम स्लो स्लो चलना हमने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर हर कदम पर बड़े बड़े होटल्स हैं ताकि जो सियाह आए या रहने के लिए लोग आए तो उनको कोई परेशानी ना हो। मुनासिब कीमत पर अच्छे से अच्छे होटल भी मौजूद हैं, लाइक पीसी, सीसेल, राहत कदर, इस तरह के डिफरेंट जो हाई रेट्स पर हैं, लो रेट्स पर हैं, मिडिल रेट्स पर हैं, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। जन्नत देखिए बहुत खुश है और छोटा एक भी खुश है। हर तरह के लोगों के लिए यहाँ पे हैं होटल्स। जैसे जो अफोर्ड कर सके वो वैसे ही ले सकता है। मोस्ट ब्यूटीफुल नज़ारे। बड़े एच ने यहाँ पे अपना जूस का डब्बा फेंका तो मुझे ये बुरा लगा। मैंने कहा इसको वापस अंदर डालें, अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे सफाई का तो कौन रखेगा। क्योंकि ये भी हकीकत है कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। तो बड़ा एच को ये बात समझ आ गई, उसने उसको डस्टबिन में डाल दिया।
और हम स्लो स्लो चलना स्टार्ट हो गए। एटमॉस्फेयर एंजॉय करते हुए स्लो स्लो आगे बढ़ते हुए आपको भी साथ एंजॉय करवाते हुए। इसका एक एक इवेंट जो है ब्यूटीफुल है, कोई इवेंट मिस मत कीजिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है, आप हमारे साथ इसको ज़रूर एंजॉय करें। हम स्लो स्लो चलते जा रहे हैं। देखिए छोटा एक जो है मस्तियाँ कर रहा है, साथ में जन्नत भी मस्तियाँ कर रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है, यकीनन आप हमारे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। अब हमने चलना स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं जैसे ख्वाबों में, ख्वाबों जैसी लाइफ, ख्वाबों जैसा नज़ारा एक्चुअल लाइफ में। जन्नत ने लगा लिया स्पीच, इस गाड़ी में हम आए थे। इसका रेंट फी पर्सन था 100 रुपीज। हमें ये नाइट व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। पिंडी पॉइंट पे यहाँ पे चेयर लिफ्ट भी है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत व्यू। होटल्स आ जाते हैं, फिर मिड में वही नज़ारा, फिर होटल, फिर वही नज़ारा, फिर मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ इंजॉयमेंट्स, मुख्तलिफ नज़ारे। ये देखें लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये नज़ारे, ये अपनी वीडियोस बना रहे हैं जैसे हम बना रहे हैं। ग्रीन ग्रीन चीज ऐसे लग रहा है जैसे कि जन्नत का नज़ारा है। ये है पिंडी पॉइंट, यहाँ पे चेयर लिफ्ट है मेरी की, क्योंकि ये रात का टाइम है तो रात में नहीं चलती, ये मगरिब के बाद बंद हो जाती है। यहाँ पे बड़े एच ने और जन्नत ने बैठना चाहा, जन्नत अपने बैग में से कुछ खाने के लिए निकाल रही है और छोटा एक जो है उसको तो टाइम की लगी हुई है, वो कहते हैं टाइम देखें। अच्छा जन्नत जी अपनी ग्लासेज निकाल रही है और बड़ा एक जो है अपनी वीडियो बना रहा है। जन्नत ने लगा ली अपनी ग्लासेज, वो पिक बनवाना चाह रही है बड़े एक से। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे जन्नत और छोटे एक से बात हो गई है। छोटा एक चाह रहे मैं ग्लासेस लगाऊं तो जन्नत ने उतार दी, हालांकि छोटे एक के पास अपनी ग्लासेस हैं। अब दोनों ने सुलह कर ली है।
पे खाने की चीज़ें, यहाँ पे छोटे इतने स्टिंग लिए और बड़े ने जूस लिया। ये गाड़ियाँ हमारे लिए कह रहे हैं कि हमारे साथ चल पड़े। हमने कहा नहीं, हम पैदल जाएंगे क्योंकि इसका बहुत अच्छा मौसम है और हम इंजॉय करना चाह रहे हैं। उसके खाने पीने की चीज़ें रास्ते में लेते हुए खाते हुए आप देख सकते हैं मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल, खाने पीने के स्टॉल। कोई टेंशन नहीं है, आप खाने की हर चीज़ ले सकते हैं, ड्रेसेस ले सकते हैं, बच्चों के टॉयज ले सकते हैं। यहाँ से ये आर्मी एरिया स्टार्ट हो रहा है। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले 14 अगस्त का इवेंट था, तो इसलिए ये ग्रीन लाइट्स चांद सितारा पाकिस्तानी इवेंट जो कि बहुत धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पर हम लोग उस इवेंट में जा नहीं पाए क्योंकि रश इतना था कि एक पांव रखने की जगह भी नहीं थी और मीलों दूर रश था। तो हमने सब्र किया, हमने कहा हम बाद में बना लेंगे। हमने लाइट्स की और इवेंट्स की तो नहीं बना पाए लेकिन लाइट्स की खूबसूरती आपको दिखा रही हूँ। ये कैंट का एरिया है मरीन में, ग्रीन कैंट। यकीनन आप इसको लाइक कर रहे होंगे, इस नज़ारे को, पाकिस्तान की खूबसूरती को, आर्मी एरिया को, कैंट की खूबसूरती को। यहाँ पर थोड़ी सी लाइट चली गई थी और वापस से लाइट आ गई। आप ये यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे। मुख्तलिफ लाइट्स बहुत ही खूबसूरती से सजाई गई हैं। मेरी ब्यूटीफुल पाकिस्तान, इसलिए हमने पैदल चलने को तरजीह दी ताकि आपको हर इवेंट दिखा सकें, रास्ते में आने वाला हर नज़ारा आपको दिखा सके। आप देख सकते हैं खूबसूरती को। जगह जगह पाकिस्तानी फ्लैग्स लगे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत छोटा एक हमारे आगे आगे चल रहा है जन्नत और साथ में बड़ा एक ये गपशप करते जा रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। जगह जगह फ्लैग लगे हुए हैं पाकिस्तान के और लाइट से फ्लैग बने हुए हैं और हर तरह से मरी को, कैंट को सजाया गया है। ये आर्मी एरिया है CMS, ये इसका गेट है।
जाना चाहिए यहाँ पे ठहरी हुई है। गेट नंबर 2 है सीएमएच का, ये मेरी सीएमएच है, बड़ा एच जनक और छोटा एच जी है। यहाँ पर छोटे एच को तो बस अपना टाइम दिखाने से मतलब है, उसका टाइम देखो क्या टाइम हो रहा है। उसको एक वॉच क्या मिली उसने तो बस हमें टाइम के साथ ही रिलेट कर दिया। हर मिनट बात करते हैं, टाइम देखें ममा टाइम देखें, यकीनन आप इस खूबसूरती को एंजॉय कर रहे होंगे। बड़े एज ने डांस करना शुरू कर दिया रोड पे। लोग टोलियां बनाकर आगे जा रहे हैं, आगे पीछे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हर थोड़ी देर बाद फ्लैग आ जाता है, पाकिस्तानी फ्लैग। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, छोटा एक भी एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा भी। वाओ, मुख्तलिफ लाइट और मुख्तलिफ कलर के फ्लावर्स, ट्रीज पर मुख्तलिफ कलर के फूल उगे हुए हैं। लाइट्स की वजह से जो फ्लावर्स हैं वो मुख्तलिफ कलर दे रहे हैं। खूबसूरती का एक अलग ही नज़ारा है। यहाँ पे लोग जो चल नहीं सकते उनको छोटी हाथ रेडियो में बिठाकर आगे लेकर ले जाया जाता है ताकि वो इजी जा सकें। हम लोग जब नॉर्मल एरिया से जाते हैं तो यहाँ सड़कें ऊंची नीची होती हैं, चढ़ाई भी होती है उतराई भी होती है। उतराई तो आसानी से हो जाती है लेकिन चढ़ाई थोड़ी मुश्किल होती है, तो लोग हाथ गाड़ियाँ भी यूज़ कर लेते हैं, गाड़ियाँ भी यूज़ कर लेते हैं। छोटे एज का टाइम चेक करें विद स्टिंग। छोटा एच आपको रास्ता बताते हुए और मुख्तलिफ डिफरेंट चीज़ें दिखाते हुए खुशी से लहलहाते हुए, हॉर्स की यहाँ पे पिक दिखाई गई है, पाकिस्तानी फ्लैग। लाइट्स में भी बना हुआ है चांद सितारा।
पे इस वाला मूड में हैं और मज़े से जा रहे हैं, तो अभी उनको थकन हो गई है, वो बैठना चाह रहे हैं। ब्यूटीफुल सीन, वाटर इज लाइफ, यहाँ पे प्योर वाटर है। लाइटिंग का सिलसिला बहुत दूर तक फैला हुआ है। छोटा एच स्ट्रिंग पीते हुए एंजॉय करते हुए हम लोग चलते चलते माल रोड की तरफ आ रहे हैं। फिर से पाकिस्तानी फ्लैग खूबसूरत अंदाज में लगा हुआ है। यहाँ पे स्टोन की दीवार को खूबसूरती से लाइटिंग से सजाया गया है। ओह माय गॉड, डॉगी आ रहा है, हम लोग डर गए डॉगी से, वो भी स्पीड में आ रहा है। स्लो स्लो चलते हुए लोग पिक्स बनवा रहे हैं। आप देख सकते हैं हम माल रोड के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। देखिए छोटे एज को फिर टाइम का चक्कर लग गया, कितना टाइम देखिए। और डॉगी के पीछे आने की वजह से हम लोगों से रास्ता मिस हो गया। छोटे रास्ते की बजाय हमने लॉन्ग रूट ले लिया, वो भी मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि डॉगी पीछे आ रहा था तो हम लोगों का रास्ता जो है वो मिस हो गया। यहाँ पर थोड़ी लाइटिंग की कमी थी तो हमें पता नहीं चला, हम दूसरी साइड से चले गए, रोड भी मालूम नहीं था, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। लेकिन यहाँ पे फिर चंद आर्मी के लोग ठहरे थे, हमने उनसे पूछा कि रास्ता किस तरफ से जाता है, तो उन्होंने हमें गाइड किया। लेकिन हम फिर भी खौफ ज़्यादा थे कि कहीं हम रास्ता भूल तो नहीं गए। क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग भी नहीं थी और कोई अंदर का रास्ता हमने चूज़ कर लिया था, सेम रास्ते होने की वजह से हमसे मिस्टेक हो गई, क्योंकि डॉगी हमारे पीछे ही पड़ा हुआ था। हमारी सांस चढ़ चुकी थी और हम थक चुके थे। Thank you.
लेकिन हम पूर उम्मीद थे कि हम मरी में घूमने ही होंगे, क्योंकि हर साल हम यहाँ आते हैं और हमें रास्ते पता हैं, लेकिन ये न्यू रास्ता था। लेकिन हमें इतनी उम्मीद थी कि हम घूमने ही होंगे, लेकिन ये डर था कि रास्ता कहीं लंबा ना हो जाए। लेकिन हमें दूर से लग रहा था कि अब हम माल रोड पर पहुंचने वाले हैं। हमें रोशनियां नज़र आ चुकी थीं और हमारी मंजिल तकरीबन करीब थी। और लोग भी जा रहे थे तो हमारी थोड़ी हिम्मत बंधी और दूर से हमने रोशनियाँ देखी माल रोड वाली साइड की, तो हमें लगा अब हम जल्दी पहुँच जाएंगे छोटे एच ने स्ताना शुरू कर दिया कि मुझे उठाएं, अब मुझसे चलने की उम्मीद ना रखें, मैं नहीं चल पाऊँगा। तो बड़े एच ने उसको अपने शोल्डर पे उठाने की कोशिश की, यहाँ पे ये बच्चे रुक गए। छोटे एच ने जिद बांध ली कि मैं और नहीं चलूंगा, मुझे उठाओ। तो बड़े एच को हार मानना पड़ी, उसने उसको उठा लिया। हमने अपना रोड शो अचीव कर लिया, हम हैप्पी हो गए कि हमने अपना रास्ता ढूंढ लिया। बस चंद कदम आगे माल रोड स्टार्ट होने वाला है, हमने दूर से देख लिया। बस चंद कदम आगे और डॉगी भी कहीं गुम हो गया, उसने भी हमारा पीछा छोड़ दिया। छोटा एच उतर गया और अपना टाइम दिखा रहा है। हम सब लोग हैप्पी हो गए कि हम पहुंच गए, हम गुम नहीं हुए। ये शहीद होने वाले, अपने मुल्क की खातिर जान देने वाले, क्योंकि ये आर्मी रोड है, मेरी कैंट है। ये माल रोड स्टार्ट हो गया, थैंक्स गॉड हम खैरियत से पहुंच गए। और ये मस्करा, ये ग्रीन कैंट माल रोड मरी, हम लोग पहुंच गए थैंक्स गॉड। वापस से गैदरिंग शुरू हो गई, हम लोग बहुत डरे थे लेकिन अल्लाह का करम हुआ और हम पहुंच गए। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग खुशी मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं।
रोड को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है ताकि हर आने वाला जो है एंजॉय कर सके, लाइक आप और हम। आपसे लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इस तरह के मज़े के खूबसूरत और न्यू नज़ारे मैं आपको दिखाती रहूँ। और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा सलामत रहें, खुश रहें और दूसरों को खुश रहने दें। थैंक यू। एक बार फिर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए न्यू आने वालों के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। Cooking with vlogging.